जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर 2000 प्लस हो चुके हैं, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश एडवोकेट एमटी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए, जो अदर स्टेट के लिए जब हम व्हीकल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए 29-30 फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं या ऑनलाइन भरे जाते हैं, इसमें लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। तो हम आज वो बात करेंगे कंप्लीट उसी मुद्दे पे कि 29 फॉर्म और 30 फॉर्म कब भरा जाता है, कब नहीं भरा जाता। चलो समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेने के लिए उसमें दो ऑप्शन है। पहला, एक खुद ऑनर है जिसका एड्रेस चेंज हो गया और वो अदर स्टेट में जाके ट्रांसफ़र करवा रहा है। दूसरा, मैंने गाड़ी किसी को बेच दी है और वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर। तो पहले हम बात करते हैं सेम ओनर की। दिल्ली में मेरी एक गाड़ी है और उससे मैंने परमानेंट एड्रेस के लिए राजस्थान के लिए एनओसी ले लिया, तो मैं उसमें जो ऑप्शन चुनूंगा वो चुनूंगा चेंज ऑफ एड्रेस, क्योंकि ऑनर चेंज नहीं हो रहा, ऑनर तो सेम है, बस मेरा एड्रेस चेंज हो गया। तो एड्रेस चेंज करने के लिए मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, हर स्टेट का अपना अपना कोड होता है। अगर दिल्ली में ही मेरा एड्रेस चेंज होता तो मुझे स्टेट से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मेरे को चेंज ऑफ एड्रेस अप्लाई करता और जिसकी वजह से वो काम मेरा हो जाता। यहाँ पे एनओसी मैंने इसलिए लिए ताकि मेरा स्टेट चेंज हो गया। मेरे को 28 नंबर फॉर्म मिलेंगे दो और उस पर एक लेटर लगा होगा जो आरटीओ मेरे को इशू करेगा कि हमने इस आरटीओ के लिए एनओसी दे दी है। तो इस केस में ध्यान रखना 29-30 फॉर्म नहीं लगेगा। वहां पे नॉर्मल जो फॉर्म होगा 27-20 जो भी फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म लगेंगे, प्लस इंश्योरेंस पॉल्यूशन, एनओसी और एक एफिडेविट। हर स्टेट का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो अप करिए और उस स्टेट में जाके अपन अपना गाड़ी रजिस्टर्ड करा लीजिए। लेकिन वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, फर्स्ट ओनर में टैक्स देना पड़ता है और आपने जो पुरानी गाड़ी का टैक्स दिया था आपने उसे आप रिफंड भी करा सकते। पहला स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। मान लो मैंने गाड़ी किसी अपने रिलेटिव को बेच दी, वो रहता है बैंगलोर में। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसे एनओसी करा के देनी है। तो एनओसी कराने के लिए फिर मैं उसमें दूसरा ऑप्शन चुनूंगा, आप देख भी रहे होगा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है शोल्ड, इसी को मैं चुनूंगा। इसको चुनने के बाद में नीचे आ जाएगा ट्रांसफरी का नाम, डायरेक्ट ट्रांसफरी का मतलब होता है परचेजर, परचेजर का नाम मुझे डालना है। डालने के बाद में वो सबमिट करूंगा, फिर 28 फॉर्म जनरेट हो जाएंगे, फिर मैं अप्लाई कर दूंगा। इस केस के अंदर एनओसी के साथ आपको 29-30 फॉर्म दो दो लगेंगे, क्योंकि ऑनरशिप भी चेंज हो रही है, दैट्स वाई। इसीलिए आपको 29-30 के दो दो फॉर्म देने पड़ेंगे और ये ऑनलाइन वाले हैं, जो ऑफलाइन प्रिंट निकालते हैं उसका है। ऑनलाइन एक फॉर्म होता है जो हमें सिस्टम पे ही भरना होता है, एक ऑनलाइन वो फॉर्म होता है जो हमने पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाला और उसे हाथ से भरा। आप स्क्रीन पे मैंने एक ये 29 की पिक्चर आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट है उसमें आरटीओ का जो नाम आएगा वो उस आरटीओ का नाम आएगा जहां पे आप एनओसी लेके जा रहे हो, उसमें उसके बाद जो ऑनर का नाम है, जो आरसी में प्रेजेंट ऑनर है उसका नाम आएगा, उसका फिर एड्रेस आएगा, फिर नीचे गाड़ी का नंबर आएगा, फिर चेसी नंबर आएगा, फिर इंजन नंबर आएगा, फिर उसके बाद ये गाड़ी किसको है, सोल्ड टू, तो वहां पे आएगा परचेजर का नाम, परचेजर का नाम, उसके पापा का नाम और उसका एड्रेस, एड्रेस वही जो एड्रेस वो जिस एड्रेस के लिए उसने एनओसी ली है। इस तरीके से आपको 29-30 के दो दो फॉर्म मैनुअली भरने हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि 29-30 पे आपको फॉर्म पे साइन ऑनर के पहले ही करा लेना। जब आप एनओसी ले लोगे तो उसके साथ साथ 29-30 फॉर्म पे भी साइन करा लेना, वरना जब आप अपने स्टेट में लेके जाओगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे, फिर वहां फॉर्म भेजोगे, फिर कोरियर कराओगे, तब जाके प्रॉब्लम आएगी। तो ये था आफ्टर एनओसी, जब आप अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी ट्रांसफर कराते हैं तो कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मुझे आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, जिसका मैं आपको टाइम मिलते के साथ ही रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी स्वभाव बढ़ता है कि यार कम से कम मेरी वीडियो का फायदा सिटीजन उठा तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वीडियो का फायदा सिटीजन से ज्यादा एजेंट लोग उठाते हैं, तभी मुझे इस तरीके से कॉल आते हैं। ठीक है कि सर मैं अपना साइबर कैफे चला रहा हूं, मेरी
मदद कर दीजिए या जो भी है, लेकिन जो मेरा मकसद है ताकि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, इसीलिए मेरा ये मकसद है ताकि मैं हर सिटीजन्स को समझा सकूँ, बता सकूँ वीडियो के माध्यम से कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो इतने आप समझदार हैं जो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जय हिंद, जय भारत।